हेलो फ्रेंड्स, जब लैंग्वेज की बात आती है तब सीखते वक्त शुरुआत हम अल्फाबेट्स से करते हैं। गुजराती की बात करें तो हम शुरुआत करते हैं क ख ग, जिसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स, हिंदी में मूलाक्षर और गुजराती में मूलाक्षर कहते हैं। सीखते वक्त कई लोग ऐसा करते हैं, मूलाक्षर यानी अल्फाबेट्स को ऐसे कहते हैं, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, क ख ग घ, जो कि गलत है। अगर आपको सीखना ही है सही ढंग से, सही तरीके से, तो आपको अल्फाबेट्स को, मूलाक्षर को कुछ ऐसे कहना है, ऐसे प्रोनाउंस करना है। क कमल नो क, ख खटारा नो ख, ग गधेड़ा नो ग, घ घर नो घ। देसी साहब में ऐसा ही होता है और हमको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है ताकि हमको ये पता चले कि कौन सा लेटर यानी कि अक्षर किस वर्ड के लिए बना है। वरना तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है त और ट के बीच में, द और ड के बीच में, थ और ध के बीच में भी कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तीन श होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता है, और अड़ और अण उसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो ऐसा ना हो, हम कुछ अलग कुछ गलत ना सीखें, पूरी तरह से पूरा सब कुछ अच्छा और सच्चा अच्छे से सीखें। इसके लिए जरूरी है कि आप जब भी कभी क ख ग यानी कि शुरुआती दौर से आप सीखना शुरू करो तब क कमल न ख खटार न ख, इस तरह से आप सीखना शुरू करो।